हेलो दोस्तों, माय नेम इज सत्यम और मैं वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम फिर से एक बार खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट ओशन फैक्ट्री। और आज हम इस वीडियो में नेदर फोर्ट्रेस में जाने वाले हैं, पर नेदर में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका जो नेदर फोर्ट्रेस है वो इसी वर्ल्ड में है, मतलब ओवरवर्ल्ड में ये जो नेदर फोर्ट्रेस वो होने वाला है। तो अभी मैं सीधा वहीं पर जाके मिलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो ट्रिप होने वाली वो थोड़ी बड़ी होने वाली है। तो मैं जल्दी से वहाँ पर जाता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ कि भाई कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा लूट भी वहाँ पर मिल सकती है और बहुत ही ज़्यादा फाइट भी हमारी हो सकती है। तो ठीक है, ये देख सकते हो हमें एक विलेज भी मिल चुका है। इस विलेज को लूटता हूँ, कुछ अगर अच्छा मिला तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब हमें कुछ ऐसे फूड मिल सकता है जो हमारे विलेज में नहीं है, जैसे कि पोटैटो मिल गए तो पोटैटो लेके जाएंगे। पोटैटो का हमारे पास ये क्या होगा, ये स्पेशल दरबार है तो इससे नहीं टूटेगा क्या, मालूम नहीं मुझे क्या हुआ। तो ये लेते हैं जो पोटैटो, भाई तलवार में दम है। और यहाँ पे थोड़े से ब्रेड मिल चुके हैं, वो भी ले जाऊंगा। और ये और मेरे पास सिल्क टच भी है तो आ जाएगा आराम से, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 4-5 ही लूँगा लेते। ओ यहाँ पे आर्मर मिला है और आयरन भी अच्छा ठीक ठाक है। और ये भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी अटैक करने के लिए कुछ नहीं है। और एप्पल ले लेते क्योंकि हम उससे गोल्डन एप्पल बना सकते हैं, तो अच्छा है। हाँ मुझे दिखाई तो दे रही है वैसे थोड़ा थोड़ा। तो अभी इसके नीचे पानी नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें और जो पोर्शन होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है भाई, इसके नीचे अभी सीधे सीधे मुझे नीचे जाना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं कि मैं किस तरीके से जा रहा हूँ। ओके मैं सही आ रहा हूँ, तो यहाँ से सीधा अंदर हो लेते हैं। चल साइड में, ओके भाई साहब अंधेरा बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। और ब्लेज भी आ चुका है, भाई मुझे चाहिए शील्ड। तो कोई बात, यहाँ पर पानी तो है, इसके लिए हमें पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये भाई ये इधर ला, ये मैं लैपिस लेकर क्यों घूम रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। भाई ये देखो, ये इसका फ़ायदा है, यहाँ पे पानी तो भाई हमारे पास है ही, तो इसको पहले मारना शुरू कर देते हैं। तो हमें थोड़े से कुछ अच्छा सा तो मिला नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक गोल्डन इंजेंटेड तो नहीं मिला, बस गोल्डन एप्पल ही है। और फ्लिंट एंड स्टील की वजह से हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पहला रूम है, हमें और भी आगे जाना है तो मैं टॉर्चेस लगाते हुए जाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे खोना नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पर खो सकता हूँ। ये भी है यहाँ पर, वाह भाई साहब जॉम्बी भी है यहाँ पर। ये भाई साहब डबल खतरा हो चुका है, मुझे लगा तो थोड़ा ईजी होगा क्योंकि पर इससे तो ओहो ये देखो हमें अभी आदत हो चुकी है क्योंकि हमें जॉम्बी एपोकलिप्स में हम खेल रहे हैं तो इसमें इससे भी ज़्यादा जॉम्बी होते हैं। मुझे मालूम नहीं कि मैं क्यों ले रहा हूँ, पर ये तो हम लेके जाएंगे। तो अभी यहाँ से मैं आ चुका हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है। ओ यहाँ पे कोई स्पॉनर भी नहीं है, अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई है नहीं। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे ओ ये देखो भाई ये इधर है। ओ ओ, ओ, ओ ओ वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि हमें मारेंगे नहीं। मैंने गोल्ड पहना हुआ है, फिर भी इसको तोड़ देते हैं, इसमें हमें कोई भी रिस्क नहीं चाहिए। ओके ठीक है, ये भी कुछ नहीं कर रहे। तो अभी हमें कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है। वैसे तो ये है बड़ा पर उसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। यहाँ से मैं आया था, ठीक है यहाँ पे जा चुका हूँ। भाई ये इतना सा ही है, छोटा सा। मुझे लगा था कि भाई सब कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छे खासे हमें फ़ाइट करने को मिलेगी, पर ये तो भाई कहा जाए तो नल्ला ही है। तो हमें एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ी सी अभी रिस्क तो उठाना है, देखते हैं कि हमारी स्किल कितनी बड़ी है इसमें। ओके अभी आने वाले हैं। ओके भाई मुझे रिस मुझे लगा था एक बार किया मुझे मार देंगे, पर कोई बात नहीं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्मर है। फिर भी इन्होंने अच्छा खासा मुझे डैमेज दिया है। अभी मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा अच्छा सा कि ताकि हमें यहाँ पे इतने दूर आए हैं भाई साहब बोट चलाने में, मुझे हाथ जितने दर्द कर रहे थे ना इतनी दूर तक हम आए हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए यार, मुझे लगा था ये बड़ा होगा या फिर इसमें कुछ और लूटने के लिए मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बड़ा होने भी वाला है क्योंकि यहाँ पे हमने घूमा तो इतना ही छोटा सा ही था। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी घर पे जाता हूँ सीधा। और राज भाई मुझे इसने बहुत ज़्यादा निराश किया है क्योंकि मुझे लगा था कि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर कोई नहीं अभी ये थोड़ी सी अगर आए ही यहाँ तक तो कुछ ना कुछ तो लूट के यहाँ पे फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद ही जाएंगे। तो ये क्रीपर भाई मुझे लगा एक ही है, फट जाए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी लाइट क्योंकि ये भी है, कुछ अगर इसमें भी नहीं मिला तो
वैसे मुझे वहां पर तो कुछ अच्छा मिला नहीं, इसलिए मैं थोड़ा आगे आ रहा था। और हमें यहाँ पे पिछली बार तो हमें डेड विलेज मिला था, और ये डेड विलेज नहीं है, यहाँ पे सब लोग अच्छी तरीके से जिंदा है। तो अभी इसको लूटते हैं, और यहाँ पे विलेजर हम एक ले जाने की कोशिश भी करेंगे। बैठ जाओ विलेजर, हम तुम्हें सैर पर ले जाएंगे, हमारे घर की सैर पर। तो चलता हूँ मैं अभी घर में, जाता हूँ सीधा। और कुछ इतना खास मेरे साथ इस एपिसोड में हुआ नहीं है, मुझे तो अभी 0-0 पे ही जाना है, तो अभी मैं चला सीधा वहाँ पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।